आर्ष श्रृंगी की कहानी एवं उनका आश्रम। उन दिनों देवता व अप्सराएं पृथ्वी लोक में आते जाते रहते थे। बस्ती मंडल में हिमालय का जंगल दूर दूर तक फैला हुआ करता था, जहां अर्षियों व मुनियों के आश्रम हुआ करते थे। आबादी बहुत ही कम थी। आश्रमों के आसपास सभी हिंसक पशु पक्षी हिंसक वृत्ति और वैर भाव भूल कर एक साथ रहते थे। परम पिता ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि कश्यप थे, उनके पुत्र महर्षि विभांडक थे। वे उच्च कोटि के सिद्ध संत थे। पूरे आर्यावर्त में उनको बड़े श्रद्धा व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उनके तप से देवतागण भयभीत हो गए थे। इंद्र को अपना सिंहासन डगमगाता हुआ दिखाई दिया था। महर्षि की तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने अपने प्रिय अप्सरा उर्वशी को भेजा था, जिसके प्रेम पाश में पड्डिड्यचकर महर्षि का तप खंडित हुआ और दोनों के संयोग से बालक श्रृंगी का जन्म हुआ। पुराण में श्रृंगी को इन दोनों का संतान कहा गया है। बालक के मस्तक पर एक सींग था, अतः उनका नाम श्रृंगी पड़ा। बालक को जन्म देने के बाद उर्वशी का काम पूरा हो गया और वह स्वर्गलोक वापस लौट गई। इस धोखे से विभांडक इतने आहत हुए कि उन्हें नारी जाति से ही घृणा हो गई। वे क्रोधित रहने लगे तथा लोग उनके शाप से बहुत डरने लगे थे। उन्होंने अपने पुत्र को माँ बाप तथा गुरु तीनों का प्यार दिया और तीनों की कमी पूरी की। उस आश्रम में किसी भी नारी का प्रवेश वर्जित था। वे अपने पूरे मनोयोग से बालक का पालन पोषण किए थे। बालक अपने पिता के अलावा अन्य किसी को जानता तक नहीं था। सांसारिक वृत्तियों से मुक्त यह आश्रम साक्षात स्वर्ग सा लगता था। शक्ति और रूप अपनी अप्रत्याशित मंडनहीन ताजगी में बालक श्रृंगी को अभिसिंचित कर रहे थे। यह आश्रम मनोरमा, जिसे सरस्वती भी कहा जाता था, के तट पर स्थित था। एक अन्य जनश्रुति कथा के अनुसार एक बार महर्षि विभांडक इंद्र के प्रिय अप्सरा उर्वशी को देखते ही उस पर मोहित हो गए तथा नदी में स्नान करते समय उनका वीर्यपात हुआ। एक शापित देव कन्या मृगी के रूप में वहां विचरण कर रही थी। उसने जल के साथ वीर्य को ग्रहण कर लिया। इससे एक बालक का जन्म हुआ। उसके सिर पर सींग उगे हुए थे। उस विचित्र बालक को जन्म देकर वह मृगी शाप मुक्त होकर स्वर्गलोक चली गई। उस आश्रम में कोई तामसी वृत्ति नहीं पाई जाती थी। महर्षि विभांडक तथा नव ज्वजल्यमान बालक श्रृंगी का आश्रम अंग देश से लगा हुआ था। देवताओं के छल से आहत महर्षि विभांडक तप और क्रोध करने लगे थे, जिसके कारण उन दिनों वहां भयंकर सूखा पड्ढा था। अंग के राजा रोमपाद ने अपने मंत्रियों व पुरोहितों से मंत्रणा किया। आर्ष श्रृंगी अपने पिता विभांडक से भी अधिक तेजवान एवं प्रतिभावान बन गए। उसकी ख्याति दिग्दिगंतर तक फैल गई थी। अंगराज को सलाह दिया गया कि महर्षि श्रृंगी को अंग देश में लाने पर ही अंग देश का अकाल खत्म होगा।